नमस्कार। कुंभ राशि पर चर्चा करेंगे। कुंभ राशि शश योग बना करके राजा महाराजाओं की तरह है, बहुत इम्पोर्टेंट राशि है। इसका स्वामी अभी वक्री चल रहा है, रेट्रोग्रेड मोशन में। शनि जब वक्री होता है तो कुछ नुकसान भी देता है। 4 नवंबर 2023 तक आपके ऊपर शनि वक्री है तो ये आपकी समस्याएं बढ़ाएगा। पैरों में चोट, अधिक खर्च, यात्राएं, या कोई व्यक्ति झूठ बोल करके, चीटिंग करके आपसे इस नाम पर पैसा लेगा कि आपकी नौकरी लगवाऊंगा या आपको मैं ज़मीन दिला देता हूं, तो इस प्रकार के प्रलोभन किसी भी तरह के आप ना लें, ना झांसे में आए। 18 अगस्त को शाम के समय सूर्यास्त जब होगा, आपकी राशि पर अष्टम स्थान पर मंगल विचरण करेंगे। अष्टम भाव में जब मंगल आता है तो कष्ट देता है, कभी कभी बीमारी, चोट, इन्फेक्शन, चक्कर आना, अशांति, अपमान का भय, ये कुंभ राशि के लिए होने वाला है। प्लस पॉइंट ये है कि आपके सप्तम भाव, दाम्पत्य जीवन स्थान, आपके पार्टनर के स्थान पर सूर्य स्वग्रही होगा। आपको अपने ही घर के लोग, इष्ट मित्रों से लाभ और सहयोग मिलेगा। यही कारण है कि आप बड़ी से बड़ी समस्याओं पर विजय प्राप्त करने में सफल होंगे, सहयोगियों के द्वारा, उनकी हेल्प से आपको लाभ होगा। आपके भाई बहन पराक्रम स्थान, वहाँ बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि राहु और बृहस्पति का जो संयोग है वो आपके इष्ट मित्र, परिजन, परिवार वाले और भाई बहन से आपको सहयोग मिलने की उम्मीद है, ऐसा ग्रह बता रहा है। अगले 2.5 साल तक, 25 मार्च 2025 तक राजा महाराजाओं की तरह आप मौज लेते रहोगे, लेकिन अभी 2 महीना यानी कि सितंबर और अक्टूबर अच्छे नहीं है, अगस्त भी ठीक नहीं है, तो इसीलिए आपको सचेत होना। आपको भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद के मामले, इनमें खरीदते और बेचते समय बहुत सावधानी की आवश्यकता होगी, चीटिंग से बचना है। आपका जो मैरिज लाइफ है उसमें कुछ डिस्टरबेंस का आने का योग बन रहा है, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में होंगे। स्त्री और पुरुष दोनों और स्टूडेंट्स के लिए भी ये जो समय है ये थोड़ा सा कष्टकारक, चुनौतीपूर्ण और संघर्षपूर्ण समय रहेगा, स्ट्रगल रहेगा। लेकिन विशेष बात ये है कि आपके राहु और केतु ये आपके लिए नुकसानदायक नहीं रहेंगे। प्लस पॉइंट एक और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, शश योग बना करके शनि आपको राजा घोषित करेगा। राजनेता हो आप या बिजनेसमैन हो, नौकरी वाले हो, चारों तरफ से आपकी जय जयकार ही होगी। और 18 तारीख को सबसे बड़ी खुशी का समाचार आपके लिए, शाम के 7:04 पर शुक्र जब वक्री से मार्गी होगा, रेट्रोग्रेड से फॉरवर्ड मोशन में आएगा, तो ये आपके भाग्य स्थान का स्वामी भाग्य को उन्नत करेगा। शुक्र पूर्व में उदय होगा, जैसे ही उदय होगा शाम को 7:04 पर आपका भाग्य भी उदय होगा। आपकी माताजी, परिवार, मकान, प्रॉपर्टी, इनसे जुड़ी समस्याएं सब दूर हो जाएंगी। आपको हर प्रकार के सुख और सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू होगा। आपके मार्ग में आने वाली जो बाधाएँ हैं वो समाप्त होंगी और मार्ग प्रशस्त तो होंगे। इस महीने और अगले 2 महीने में भी धीरे धीरे, ग्रेजुअली यू विल फील इम्प्रूवमेंट इन योर लाइफ। लेकिन जब शनि मार्गी हो जाएगा 4 नवंबर को, उसके बाद सबसे बड़ी सफलता पाने वाले हर व्यक्ति वही होंगे जिनकी कुंभ राशि होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।